नमस्कार, आपका फिर एक बार अपने चैनल में स्वागत करता हूं। और अभी मैं आपके सामने एक प्रश्न उठा रहा हूं जो कि प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही जानकारी उपयोगी हो सकती है, उनके लिए बड़ा ही रोचक जानकारी ये हो सकती है। साथियों, बच्चों के मन में एक प्रश्न आ सकता है, या कि आता ही है उनकी मस्तिष्क में, कि जब कभी भी हम कोई वस्तु ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो फिर से नीचे की तरफ आती है। और जैसे कि मैंने एक पत्थर फेंका ऊपर और वो फिर नीचे ही आएगा, इसी तरह से पेड़ों में लगने वाले तमाम फल जो हैं वो नीचे की तरफ गिरते हैं। तो कोई भी वस्तु अगर ऊपर फेंकी जाती है तो वो हमेशा नीचे की तरफ क्यों आती है? ये मन में एक स्वाभाविक सा प्रश्न उनके आ सकता है। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर हमें पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बारे में बच्चों को बताना होगा। और पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है जिसके कारण वो हर वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। तो उस गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण कोई भी ऊपर की तरफ फेंकी गई वस्तु आपके पृथ्वी की तरफ लौट कर ही आएगी। और यदि और ये जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है ये बहुत ही ज़्यादा है, यदि आप इस पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर निकलना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपके द्वारा फेंका गया पत्थर या आपके द्वारा प्रक्षेपित किया गया कोई भी उपग्रह पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के को भेद कर बाहर निकल जाए, उसकी कक्षा से बाहर निकल जाए, तो फिर आपको बहुत अधिक शक्ति की आवश्यकता होगी। और एक अनुमान के मुताबिक यदि आप 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से या इससे भी अधिक गति से आप किसी पिंड को प्रक्षेपित करेंगे तो उसमें ये शक्ति होगी कि वो पृथ्वी की कक्षा को पार करे और वो अंतरिक्ष में चला जाए। तो आपने देखा होगा कि तमाम जो हमारे वैज्ञानिक जो उपग्रह भेजते हैं उनको बहुत ही, उनके लिए लॉन्चर जो होता है बहुत ही शक्तिमान होता है, उसमें बहुत ज़्यादा शक्ति उत्पन्न होती है जिसके वजह से ही वो पृथ्वी की कक्षा को लांग सकता है। सो ये जो मैंने आपको बताया कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, इसको पृथ्वी का पलायन वेग कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी का मतलब ये है कि ये वो वेलोसिटी है कि जिससे यदि आप किसी पिंड को फेंकेंगे तो वो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को भेद कर अंतरिक्ष में चला जाएगा। धन्यवाद। तो अगर आपको ये सूचनाएं अच्छी लग रही हैं तो आप ज़रूर बच्चों को प्रेरित करिए कि वो इस चैनल को देखें, पसंद करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।